मध्य प्रदेश की आदिवासी सीटों पर कांग्रेस और जयस के बीच कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है और इसका नतीजा यह है कि अब जयस बगावत पर उतर आई है। जी हाँ, जयस ने तय कर लिया है कि खरगोन से डॉक्टर रक्षा मुलजादे, धार से भगवान सिंह सोलंकी, झाबुआ से डॉक्टर अजय ओहरी और बैतूल से डॉक्टर रुपेश पद्माकर को प्रत्याशी बनाया जाए। जयस द्वारा यह घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि कांग्रेस से उसका तालमेल नहीं हुआ और अब खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम तथा बैतूल सीटों पर जयस अपनी रणनीति बना रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जयस को मनावर सीट दी थी, जिसमें संगठन के अलावा डॉक्टर हीरालाल अलाव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। अब लोकसभा चुनाव में भी जयस यह उम्मीद कर रही है कि उसे कहीं न कहीं कांग्रेस सीटें देगी, लेकिन फिलहाल इनका कोई तालमेल नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि जयस और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे के वोट काट सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।